मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख बन गए। जनरल नरवणे ने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है। सेना अध्यक्ष का पद संभालने के बाद जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आतंकवाद को नहीं रोकता है, तो भारत के पास एहतियातन आतंकी अड्डों पर हमले करने का अधिकार है। जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए ज्यादा वक्त तक प्रॉक्सी वॉर नहीं चला सकता। As far as the neighbors are concerned, they're trying to use terrorism as a tool of state policy, as a way of carrying out a proxy war against us while maintaining deniability. And we are fully prepared to tackle any eventuality. इस साल सितंबर में उप थल सेना अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने से पहले जनरल नरवणे सेना की पूर्वी कमान का जिम्मा संभाल रहे थे। पूर्वी कमान भारत की चीन के साथ लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखभाल करती है। इसकी वजह से जनरल नरवणे को चीन से जुड़े मसलों की अच्छी समझ है, जो काफी मददगार होगी। जनरल बिपिन रावत कल साल के पहले दिन देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालेंगे। आज सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद जनरल रावत ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो CDS बनाए जाएंगे, लेकिन अब वो इसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि वैचारिक झुकाव की वजह से जनरल बिपिन रावत को सरकार ने CDS नियुक्त किया है। अधीर रंजन ने ट्वीट किया है, अंत में मिस्टर रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। सरकार ने निश्चित तौर पर उनके सभी प्रदर्शन और वैचारिक झुकाव को ध्यान में रखकर नियुक्ति की है। भारतीय सेना गैर राजनीतिक संस्था है, जिसके लिए जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को गर्व है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने इसे सरकार का गलत कदम बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सेना को लेके, वायुसेना को लेके, सुरक्षा कर्मियों को लेके अपनी राजनीति के लिए अलग अलग प्रश्न उठाते हैं। क्या इस प्रकार का प्रश्न उठाना सेना और सेना कर्मियों पे उचित है? इस पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। नए साल में कश्मीर घाटी के लोग एक दूसरे को SMS के जरिए शुभकामनाएं दे पाएंगे। आज रात 12 बजे से कश्मीर घाटी में SMS सेवा बहाल हो जाएगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सुविधा भी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद घाटी में ये सुविधाएं बंद थी। वी हैव बीन ट्राइंग टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स स्लोली, श्योरली बट फर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरेशन। दीज स्टेप्स विल कंटिन्यू। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2019 को उपलब्धि भरा साल और 2020 को चुनौती भरा साल बताया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक इस साल 160 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन अब भी करीब 250 आतंकी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के शामिल होने के सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक OP सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर PFI पर बैन लगाने की सिफारिश की है। खुफिया रिपोर्ट में पता चला है कि प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा में PFI की बड़ी भूमिका थी। PFI एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर केरल में है। पहले से ही हिंसा मामले में PFI का रोल रहा था, तो आपने कुछ लेटर लिखा है? जी, हमने रिकमेंड किया है कि उसे बैन कर दिया जाए। UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि PFI सिमी का नया रूप है और उस पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों केरल के कुछ जिहादी गुटों को टर्की और दुबई से फंडिंग हुई। गृह मंत्रालय ये पता लगा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में किन किन देशों से फंडिंग हुई है। नागरिकता कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि नागरिकता कानून पर हुई हिंसा में किसी पुलिस वाले की मौत क्यों नहीं हुई। पूरे हिंदुस्तान में एक पुलिस का आदमी नहीं मरा। हाँ। तू कोई ऑफिसर या कोई भी पुलिस का आदमी नहीं मरा, पब्लिक के आदमी क्यों मरे। नागरिकता संशोधन कानून NRC और NPR के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ पार्टी कार्यालय से राज्य विधानसभा तक साइकिल मार्च निकाला।
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए नए नए शिगुफे लाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जनता के बीच में जाना चाहिए। केरल में नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता कानून को लागू नहीं करने और इसे रद्द करने वाला बिल विधानसभा में पेश किया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पिनराई विजयन ने ट्वीट किया कि केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा से नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने वाला प्रस्ताव पास किया गया। सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग वाले प्रस्ताव पर सरकार का समर्थन किया। विजयन ने कहा कि केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानी, रोमन और अरबों का लंबा इतिहास है जिसे जीवित रखने की जरूरत है। बीजेपी के अकेले विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव का विरोध किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। उन्होंने कहा कि केरल समेत किसी भी राज्य की विधानसभा नागरिकता पर कानून नहीं बना सकती। असेंबली कैन पास एनी रेजोल्यूशन। आई वुड अगेन अर्ज द चीफ मिनिस्टर टू काइंडली हैव बेटर लीगल एडवाइस।